गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 किलो गाजर ली है। ये देखिए आप कैसी लाल लाल है, इसका बहुत ही बढ़िया हलवा बनेगा। अब मैं इसको आगे पीछे से कट कर रही हूँ, ठीक है। इसे ये मैंने वॉश कर लिए गाजर, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह होती है, जम्स वगैरह होते हैं। अब मैं इसको पील कर लूँ। तो ये मैंने सारी गाजरें छील दी हैं। अब मैं इसको दो उसमें डिवाइड कर रही हूँ। जो मोटी गाजर है उसको आप भी कर सकते हो, और बाकी ऐसे ये देखिए ये पतली है उसको ऐसे काट, और ये मोटी है उसको बीच में से सारी गाजर मैंने काट ली है। अब मैंने कुकर रख दिया है गैस पर, और इसमें हम देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी से ना बहुत बढ़िया हलवा बनता है। 2 किलो है तो उस हिसाब से मैं 1 कलछी डाल दूँ। आप केसर डाल दूँ, कलर बहुत अच्छा आता है देखा। मैंने हरी इलायची ली, जो हरी इलायची है इसके आप छिलके समेत डाल सकते हो या फिर छिलके निकाल के, मुझे तो छिलके निकाल के ही फिर लगता है एज यू विश। मैंने इसके छिलके निकाले, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो इसमें हम सारी गाजरें डाल देंगे। अच्छी खुशबू आ रही है, आपको भी मन करेगा कि बस जल्दी से बने और खाएं। मेरे बच्चे तो बहुत शौकीन हैं, सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या। अब इसको ऐसे हो जाए कि सारी गाजर है ना घी में अच्छे से। अच्छे से देसी घी में कोट कर लिया, देखिए भून लिया है अच्छे से, ठीक है। अब आप इसमें पानी बिल्कुल मत डालना, इसमें बस ऐसे ही इसका कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी ले लेना मीडियम गैस पे। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ये दूध सूख ना जाए, और इसको जो छोटे मोटे पीस है ना उसको क्रश करते रहेंगे। ये वैसे अपने आप ही क्रश हो जाएंगे, जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं होता था तब तक आप इसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। देखिए इसमें सारा दूध गायब हो गया है। अब मैं इसमें जो ये ड्राई फ्रूट होते हैं इनको फ्राई करके डाले तो बहुत मजा आता है, स्वाद आता है। इसमें अभी किशमिश नहीं डालेंगे, जब हम इसमें डालेंगे ना फुल में तब एक जब
के लिए ही मैंने खोया वो करा है, ये हमारा